हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु की हजूरी में चलें। आइए हम उसके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए और उससे प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, याचना करें। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना में शुरू से अंत तक शामिल रहिए। आज की प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए, सुनिए। आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, अद्भुत अनोखा काम करेगा, आश्चर्य कर्मों को करेगा। आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन के ऊपर प्रभुता करेगा, आपके जीवन में झांकेगा और जितने भी गड़बड़ी आपके जीवन में चल रहा है प्रभु ठीक करेगा। जितने भी परेशानी, दिक्कत, समस्या, कलेश, उलझन, दुख, दर्द, पीड़ा, रुकावट, बाधा आपके जीवन में है प्रभु उसको आपके जीवन से बाहर निकालेगा, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकाल फेंकेगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु के वचन को भी देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखेंगे कि आज की सुबह में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को क्या सिखाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज की किरण के लिए, आज के प्रकाश, उजियाला के लिए, रोशनी के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाँ, सच में मेरे प्रियो, बहुत लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, पर हम सब देख पाए। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उन बहुतों पर नहीं, हमारे ऊपर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के दिन को हम देख पाए हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, कि प्रभु का ये अनुग्रह सदा हमारे ऊपर और हमारी पूरी फैमिली के ऊपर बनी रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, अभी तक प्रभु आपको और आपके परिवार को संभाल करके रखा है, तो आगे भी वो आपको और आपके परिवार को संभाल करके रखेगा। मैं आपको बता दूं कि इससे भी बेहतरीन जीवन प्रभु आपको देगा, आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया, आपके परिवारों का देखभाल करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो सच में दिन प्रतिदिन प्रभु की ओर से विशेष विशेष आशीष, अनुग्रह, महिमा पाएंगे आप। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा। धन्यवाद करते मेरे प्रियो, अपने आँखों को बंद कीजिए। हालेलुया, और मन से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में मन नहीं लगेगा तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने ध्यान को प्रभु के हजूरी में एकत्रित कीजिए। अपने ध्यान को इधर उधर भटकने मत दीजिए, प्रभु की हजूरी में लगाइए। मन से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रभु के वचन को, प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होगा। हमारे प्रियो, आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, दया करते प्रभु, कृपा करते प्रभु, दया करते खुदा, धन्यवाद करते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हाँ खुदा,
पूरे रात संभालने के लिए और आज के दिन में हमें और हमारे परिवारों को लेकर आने के लिए लाखों लाख कोटि कोटि तहे दिल से संपूर्ण मन से हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। होने दे प्रभु आपका दिया हुआ ये दिन हमारे लिए आशीष में हो, ऐसा आप अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। आज की इस प्रार्थना में जितने मसीह भाई बहन बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग शामिल हुए हैं, आज की प्रार्थना और वचन को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, होने दे प्रभु उन सबों के लिए आज की प्रार्थना और वचन सुख शांति समृद्धि में होने पाए। सहायता कर प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, उनके जीवन में कार्य करने पाए, बड़े बड़े चमत्कार करने पाए, उनके दुखों का निवारण करने पाए, उनके दुखों का खत्म करने पाए स्वर्गीय पिता, समस्याओं का हल निकालने पाए, सारे समस्याओं का समाधान करने पाए। सहायता कर, मदद कर मान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय के 170 में राजा दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर से दुआ करता है कि मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, आमीन। क्या बोलता है राजा दाऊद मेरे प्रियो? राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे और तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे प्रियो, सब चाहते हैं कि प्रभु मेरे गिड़गिड़ाहट को सुने, मेरे आंसू को देखे, मेरे बिलखने के रोने की आवाज़ को सुने और मुझ पर दया करें। हालेलुया, तो प्रभु ऐसा करेगा मेरे प्रियो, वो जरूर आपके आंसू को देखेगा और पूछेगा भी, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? भजन संहिता की पुस्तक 125 अध्याय के उसका 5 में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया, इसमें राजा दाऊद क्या कहता है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। प्रभु का वचन क्या है? वो वचन दिया है, वो वादा किया है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, आप रो रो करके, बिलख बिलख करके, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते, याचना करते, प्रभु से विनती करते, प्रभु जरूर आपके आंसू को देखेगा, आपके गिड़गिड़ाहट को, रोने की आवाज़ को, बिलखने की आवाज़ को सुनेगा और जो पाने के लिए, जो हासिल करने के लिए, जो प्राप्त करने के लिए, जो बनने के लिए, जिस स्थानों पर नियुक्त होने के लिए, जिस दिन को आप देखने के लिए, जिस किसी के लिए आप दुआ कर रहे हैं, हालेलुया, वो सब पूरा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, उसका उत्तर प्रभु की ओर से हाँ आमीन में आएगा, जरूर आप पे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मैं सबका धन्यवाद हूँ मेरे प्रियो। दूसरा राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय में राजा हिजकिय्याह रो रो करके, बिलख बिलख करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर क्या किया मेरे प्रियो? चुप नहीं रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुना, उसके आंसू को देखा और वो जो कुछ पाने के लिए रो रो करके प्रार्थना कर रहा था प्रभु उसको दिया। हालेलुया, राजा हिजकिय्याह क्या पाने के लिए रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था? जीवन पाने के लिए। हालेलुया, लिखा है मेरे प्रियो कि वो ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हालेलुया, पर जब वो रो रो करके, बिलख बिलख करके प्रार्थना किया तो परमेश्वर उसको बचा दिया। बचाया ही नहीं बल्कि लिखा है मेरे प्रियो कि उसके आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, फिर जब आप पे पहला सामुएल की पुस्तक 1 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है हाना के विषय में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाना की कोई संतान नहीं था, कोई वंश नहीं था। हालेलुया, और जब ये प्रभु के भवन में रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और प्रार्थना की संतान प्राप्ति के लिए, प्रभु से दुआ की, तो प्रभु क्या किया? उसके आंसुओं को देखा। हालेलुया, और देखा ही नहीं, उसके आंसू को पोछा भी। लिखा है मेरे प्रियो, हाना को एक संतान हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आपको भी जो कुछ चाहिए
प्रभु से मांगिए, रो रो करके, बिलख बिलख करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके प्रभु से मांगिए। प्रभु आपके भी आंसू को देखेगा, और देखेगा ही नहीं, पूछेगा भी। और जो कुछ पाने के लिए आप रो रो करके प्रभु से दुआ कर रहे हैं, प्रभु आपके दुआ को कबूल करके उसका उत्तर आपको हाँ आमीन में देगा, जैसे वो राजा हिजकिया के और हाना के आंसू को दे करके उसका उत्तर उन लोगों को दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमारा खुदा कोई मूरत नहीं है, हालेलुया, वो जिंदा है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो देखता है, सुनता है, हालेलुया, स्वर्ग में है, पर अपने हाथों को बढ़ा करके, स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा करके हमें गिरने से बचाता भी है, और ज़रूरत पड़े तो हमारे निकट आ करके हमें संभालता भी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर। हाँ सच में खुदा, तू कोई खुदी हुई मूरत नहीं है, हालेलुया, तू वैसा खुदा नहीं जिनके कान तो होते हैं पर सुनता नहीं, आँख तो होते हैं पर दिखता नहीं, हाथ तो होता है पर टच नहीं करता, पैर तो होता है पर गिड़गिड़ाने पर भी निकट आकर के सहायता नहीं करता। हे प्रभु, तू जिंदा है, तू देखता है, सुनता है, बोलता है, स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा करके हमें थामे रखता है, और हमारे ज़रूरत के वक्त हमारे निकट भी आकर के हमें संभालता है। हे प्रभु, तुम महान है, सारे देवताओं में महान है। मेरे प्रियो, राजा दाऊद कहते हैं, भजनकार कहता है कि हमारा खुदा सारे देवताओं में महान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, जो कोई उसके ऊपर भरोसा रखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, और जो उसकी ओर ताकता रहेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, और जो उससे लिपटा रहेगा, हालेलुया, लिखा है मेरे प्रियो कि उसका जीवन एक नए पत्ते की तरह लहलाता रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सहायता कर प्रभु, मदद कर महान पिता परमेश्वर, यहोवा आपका धन्यवाद करते, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, खोई हुई खुशी और आशीष प्रभु वापस कीजिए। हाँ प्रभु, हम जो कुछ भी खोए हैं प्रभु जी, हमें फिर से मिलने पर सहायता कर प्रभु जी, मदद कर महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, सहायता कर प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन बोलता है, भजन संहिता 126 अध्याय के 5 बोलता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जयजयकार करते हुए लौने पाएंगे। होने दे प्रभु, ऐसा ही हो, जो मसीह भाई बहन, जो बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आपके हजूरी में, आपके भवन में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं प्रभु, हे प्रभु, उनके रोने की आवाज़ को, उनके गिड़गिड़ाहट को, उनके बिलखने की आवाज़ को सुनिए, उनके आंसू को देखिए, उनकी प्रार्थना को सुनिए, और प्रभु ग्रहण करके प्रभु से उसका उत्तर हाँ आमीन में उन लोगों को दीजिए। हाँ प्रभु, सबों के आंसुओं को पोछिए प्रभु। ये भाई, ये बहन, जो पाने के लिए, जो हासिल करने के लिए प्रभु, जो प्राप्त करने के लिए, जो बनने के लिए, जिस स्थानों पर नियुक्त होने के लिए, जिस दिन को देखने के लिए रो रो करके प्रार्थना करते, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, बिलख बिलख करके आपसे दुआ करते हैं प्रभु, उनके आंसुओं का प्रतिफल उनको तो हाँ आमीन में दे, सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सबों की कमियों को दूर कर दे, जैसे तूने हाना की कमी को दूर किया। हाना की कमी क्या था मेरे प्रियो? उसके जीवन में संतान की कमी थी। हालेलुया, और अद्भुत रीति से परमेश्वर क्या किया, उसकी कमी को, संतान की कमी को पूरा किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाना का भरोसा, विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर खुद हाना के कोख को बंद करके रखे थे। क्यों? हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाना के जो पति था वो 2 साल दे किया था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके पति 2 शादी किया था। हालेलुया, एक का नाम था पनीना, उसका संतान थे, पर वो क्या की थी, अपने बच्चों को प्रभु के प्रेम से अलग रखती थी, और यही कारण था कि परमेश्वर हाना के कोख को बंद कर दिया था।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर को ऐसा लगता था कि ये भी अपने बच्चों को, यानी कि हाना भी अपने बच्चों को मेरे प्रेम से अलग रखेगी, मेरे संगति से अलग रखेगी। और इसीलिए क्या किया था, वो हाना के कोख को बंद कर दिया था। पर हाना क्या की, वादा की कि मेरा जो संतान होगा तेरे भवन में छोड़ दूंगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वादा की, रो रो करके प्रार्थना की और परमेश्वर उसकी सुना। और सुन करके क्या किया, उसके गोद को भरा, उसके खाली झोली को भरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु जो हमें देता है उसके लिए हालेलुया, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। और जो देता है उससे प्रभु की महिमा होनी चाहिए, ताकि और भी प्रभु के अनुग्रह और महिमा को हम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु की दी हुई आशीषों के द्वारा अगर प्रभु की महिमा होगा, प्रभु की तारीफ होगा, प्रभु का राज फैलेगा, तो प्रभु और भी बहुत ऐसे आपके जीवन में उत्तम उत्तम चीज़ें देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उत्तम उत्तम चीज़ें देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, खुदा धन्यवाद करते हैं। सुनाश्री धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सहायता कर, सबों के मांगों को पूरा कर दे प्रभु। जो फास्टिंग है, उपवास है प्रभु, हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि वो लोग आपकी ओर से क्या प्राप्त करने के लिए फास्टिंग है, उपवास है, पर तू जानता है। तो होने दे प्रभु उनके उपवास का प्रतिफल उनको, तो हाँ आमीन में दे प्रभु। आज के दिन जितने फास्टिंग है प्रभु, उनके उपवास का प्रतिफल, उसके उनके फास्टिंग का प्रतिफल तो उनको हाँ आमीन में दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी खुदा, दयालु खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा हो, खुदा धन्यवाद करते हैं। सुनाश्री आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कर, जो चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु उनको चंगाई दे, जो संतान पाना चाहते हैं प्रभु, बच्चों की आशीष चाहते हैं प्रभु, तो उनको बच्चों की आशीष दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। सहायता कर प्रभु जी, मदद कर मां पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुनाश्री, धन्यवाद करते हैं। लिखा है खुदा भजन संहिता 113 अध्याय के 9 में लिखा है कि तू ही बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। तो होने दे प्रभु, जो बहन गर्व से होना चाहती है प्रभु, तो अनुग्रह कर उनको गर्व में रहने पाए प्रभु, और ठहरने भी पाए प्रभु, और वो लोग उचित समय पर प्रभु संतान को अपने सीने से लगाए। स्वर्गीय पिता सहायता कर प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। सबों को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना। हाँ प्रभु, मेरे एक एक बहनों को स्वर्गीय पिता प्रभु जी, लड़कों की आनंद करने वाली माता बना। हाँ, घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना। होने दे प्रभु, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गर्भ से हैं प्रभु, उनके गर्भ के बच्चा, और उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। संभालना, हर एक दिक्कत परेशानी से बचा करके रखना, और प्रभु से नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सहायता कर, मदद कर प्रभु, प्रभु अनुग्रह का चमत्कार करते हैं। बड़े बड़े आशीष से, विशेष विशेष आशीष से प्रभु, आज की प्रार्थना को जितने रिसीव करे विश्वास के साथ उनको तू दे। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु, सारे बीमारियों को दूर कर दे, खत्म कर दे प्रभु, और प्रभु सब प्रकार की आशीषों से भर दे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। सहायता कर प्रभु, मदद कर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, जो अपने बेटा बेटी के फ्यूचर के विषय में ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं प्रभु, हे प्रभु, उनके बेटा बेटी का फ्यूचर तेरे हाथों में देते हैं, उनका जीवन तेरे हाथों में देते हैं। तो उनके बेटा बेटी को अपने छत्र छाय में पाल और पढ़ा प्रभु। हर एक गलत 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 संगति, गलत आदत से बचा करके रखना, गलत मार्गों पर चलने मत देना प्रभु जी। बुरी नज़रों से प्रभु, सब प्रकार की बुराई से, शरीर और संसार के अभिलाषा से, एक एक बच्चा नौजवानों को बचा करके रखना, और उनके फ्यूचर को तो उज्ज्वल बनाना, अच्छा बनाना प्रभु। धन्यवाद देते हैं,
आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा, धन्यवाद करते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, खुदा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए, हाँ प्रभु जी कृपा कर दीजिए, सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सहायता कर प्रभु अनुग्रह कर, जिनको जॉब चाहिए हाँ प्रभु, जो नौकरी पाना चाहते उनको अच्छी नौकरी दे, जो बेरोजगार है उनको अच्छा काम दे प्रभु, सहायता कर प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु, जो सकेती में है तू सकेती से उनका उद्धार कर, जो संकट में फंसे हुए संकट नमक महासागर से उनको उबार प्रभु, बाहर कर, धन्यवाद देते हैं, सबों के दुख दर्द पीड़ा को तकलीफ को दूर कर दे, कर्ज माजो लोन को अपने स्वर्गीय भंडार से भर दे, हाँ प्रभु जी, जो कर्ज माजो लोन से दबे हुए हैं प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, खेती बाड़ी कारोबार में, उनका जो भी कारोबार है उसमें आशीष दीजिए, ताकि वो लोग बहुत आसानी से अपने कर्ज माजो लोन को भर सके, चुका सके, सहायता कर प्रभु, जो पढ़ाई करते हैं उनको और उनके पढ़ाई को ब्लेस करते, धन्यवाद देते हैं, हाँ प्रभु, जो स्टडी करते हैं प्रभु ब्लेस कर प्रभु, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है अनुग्रह करके उनका मन पढ़ाई में लगने पाए प्रभु, अनुग्रह कर, जो चल नहीं पाते उनके लिए दुआ करते हैं तो अनुग्रह कर उनके हड्डी में नस मांस में ताकत दे प्रभु, बॉडी के एक एक अंगों को तू चंगा कर स्वर्ग के पिता, ताकि वो चल नहीं पाए, सहायता कर प्रभु, इस प्रार्थना को जितने मसीह भाई बहन बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग रिसीव कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, हे प्रभु, उनके बॉडी में जो रोग बीमारी है, उनके परिवार के बॉडी में जो रोग बीमारी है स्वर्गीय पिता, उस रोग बीमारी को दूर कर दीजिए, वो लोग जिस नाना प्रकार के समस्या में फंसे हुए उसमें से बाहर निकालिए और सुख शांति समृद्धि दीजिए, धन्यवाद यीशु, यीशु आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं, सबों के दुखों का निवारण कर, सबों के समस्याओं का समाधान कर, सबों के तकलीफों को दूर कर दे प्रभु, अनुग्रह कर, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण भी किया, स्वर्ग में स्वीकार किया और प्रभु जी उत्तर हाँ आमीन में दिया, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, सबों के घर परिवार में आशीष दीजिए, परिवार में प्रेम भाव एकता मेल मिलाप की आत्मा दीजिए प्रभु, हमारे परिवार के एक एक सदस्यों को प्रभु जी जीवन दे प्रभु, प्रभु अनुग्रह का सबों के अंदर तेरा भय, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास बना रहे, ताकि प्रभु शुरू से अंत तक तेरे वचनों पर चलते रहे, सहायता कर, होने दे प्रभु, आपकी स्तुति करते प्रभु, संभालना देखभाल करना, सारा समस्याओं से चिंता से टेंशन से परेशानी से बचा करके रखना, धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आप हमारे सुने स्वर्गीय पिता, और सुने ही नहीं ग्रहण भी किए प्रभु, हमारे दुआओं को कबूल भी किए और प्रभु जी उत्तर हाँ आमीन में दिए, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं खुदा, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा, होने दे प्रभु, जितने फास्टिंग है प्रभु उनको आत्मिक जय रोटी से भर दे प्रभु, तृप्त कर दे स्वर्गीय पिता, उनको आत्मिक जय रोटी खिला प्रभु, ताकि वो लोग आत्मा में प्रभु जी चांगा वाला रहे प्रभु, मजबूत रहे, स्ट्रोंग रहे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, आज के दिन ये भाई ये बहन ये बच्चा नौजवान बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी अपने लिए या अपनों के लिए आपसे दुआ कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, आपसे मांग रहे हैं स्वर्गीय पिता प्रभु, प्रभु इनके मांगों को पूरा कर, होने दे प्रभु, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, हे प्रभु सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, हाँ प्रभु सबों को प्रभु, सबों के प्रार्थना को उत्तर उत्तर मिलने पाए, जवाब मिलने पाए प्रभु, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे, धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं कि आप पे सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि किए और उसका उत्तर भी हाँ आमीन में सबों को दिए,
इसके लिए प्रभु लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा धर्म महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी, प्रार्थना विनती है आपके उधर। आमीन 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 और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना में शामिल होइए। और मेरे प्रियो, प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। ऐसा करने से प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और सब प्रकार के आनंद से आप भरपूर रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज शाम 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होइए। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर करना मत भूलिए। और मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें, तकलीफें, समस्याएं, परेशानी हैं तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी कमेंटों को रोज डेली प्रतिदिन पढ़ते हैं और आपकी दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से दुआ करते हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके भेजे हुए दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि जरूर करेगा और उसका उत्तर आपको उचित समय पर हाँ आमीन में जरूर देगा। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है। हालेलुया, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। आपकी मांगे जरूर पूरी हो जाएगी। आप जो पाना चाहते हैं, हाँ आप जो पाना चाहते हैं जरूर पाएंगे, जरूर हासिल करेंगे। प्रभु जरूर आपकी इच्छा को पूरा करेगा, आपके मनोकामना को, सपना को, मनोरथों को, मांगों को पूरा करेगा। आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकताएँ की चीज़ें आपको जरूर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।